निकाला। मुद्दा बहुत सिंपल है, इसके पहले भी हम इस मुद्दे पर एक दो बार बैठ चुके हैं। ये फिल्म बाबू मुशायक बंदूकबाज को लेकर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पहले अपने साथी जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मुलाकात उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अभिषेक चौबे कुछ दिन पहले ये खुशानंद की कुर्सी पे यहाँ पे थे जब उड़ता पंजाब के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मोटवाने डायरेक्टर राहुल झोलकिया, अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, हमसे पहले पीड़ित अलंकृता लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, मैं अशोक पंडित, नवाजुद्दीन, खुशानंदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, किरण श्रॉफ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म की बाबू मुशाय बंदूकबाज की, सतीश कौशिक जी, अश्विनी चौधरी डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी इफ्तेदा, सुप्रन सेन डायरेक्टर, भारद्वाज डायरेक्टर, अश्मित इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, पीयूष झा डायरेक्टर, सोहेल ततारी डायरेक्टर, जगदीश शर्मा डायरेक्टर, कुकू कोहली डायरेक्टर, हनी त्रिहान डायरेक्टर एंड इनिवास। जब इतने डायरेक्टर्स एक साथ आके किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं या किसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो ये बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितना अहम और कितना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इफ्टेडा की तरफ से हम जो इस फिल्म के साथ हुआ है खुशानंदी किरण और अश्मित की फिल्म को लेके हम इसको कंडेम करते हैं। क्या हुआ है इनके जो डायरेक्टर हैं खुशानंदी वो खुद बोलेंगे, किरण श्रॉफ खुद बोलेगी इस फिल्म के बारे में व्हाट डू दे फील एंड व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CBFC। मैं यहाँ पर एज अ फिल्म मेकर बैठा हूँ, CBFC बोर्ड मेंबर के वजह से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो शुरुआत में मैं खुशानंदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संबोधित करें आपको, फिर उसके बाद हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं एक एक करके बात करेंगे। खुशान नमस्कार। एग्जामिनिंग कमेटी ने हमारी फिल्म जब देखी और कुछ उनको एक दो घंटा डिस्कस किए वो, और उसके बाद हमें बुलाया गया अंदर। बेसिकली हमको समझ में 5 मिनट में आ गया था कि वो वन वे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, विच वॉज फाइन, आई मीन आई एम ओके विद एनी सर्टिफिकेट। और उसके बाद उन्होंने वो कट्स के जो पूरे लिस्ट उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पहले बोला था कि आप इसके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब अगर वो कुछ कट बोले तो हम उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, पर वो कभी होता नहीं है क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग दे शट यू अप, दे आस्क यू सो डू यू वांट टू गो टू द रिवाइजिंग कमिटी, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रेट दैट हैपन्स, सो वेयर यू आर शट अप यू हैव नथिंग टू से एंड देर आर रिडिक्यूलस कट्स, देर आर कट्स लाइक साला एंड हरमजादा विच आई थिंक इज नाउ, आई मीन साला तो प्रॉब्ली TV पे चल रहा होगा, एंड सो दिस वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल सच टाइम दैट वन ऑफ देम सेड दैट व्हाई डिड यू मेक दिस फिल्म, आई मीन व्हाई डिड यू व्हाट मेड यू मेक दिस फिल्म, सो इज इट मनी, इज इट, सो आई थिंक दे इवन टोल्ड किरण दैट व्हाई एज अ वुमेन यू हैव मेड दिस फिल्म, सो उनमें से एक ये कोई लेडी सेड दिस, सो इन रिप्लाई टू दैट बिफोर किरण कुड आंसर आई थिंक जेंटलमैन वॉज देयर, देयर वर टू मैन सेड ये तो पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो लेडी नहीं है, एंड आई मीन वी वर एक्चुअली स्पीचलेस, इट इज हैरेसमेंट। आई फॉलोड इट अप विद ट्राइंग टू मीट मिस्टर नीलानी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अल्टीमेटली ही मेट, चलो शी ही मेड मी वेट फॉर 2 hours एंड द एंटायर रिगमरोल ऑफ टेकिंग योर फोन अवे एंड स्टफ, दैट्स फाइन। सो व्हेन आई एंटर ही सेज दैट यू नो यू आर लकी यू आर हियर एंड आई हैवंट बैन्ड योर फिल्म, सो आई सेड सर बट ऑन व्हाट बेसिस वुड यू बैन माय फिल्म, सो सर आपने गालियों का तो पूरा डिक्शनरी खोल रखा है, और
मतलब ये जैसे देर आर सम लाइन्स विच आई विल नॉट अलाउ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन्स. जैसे फिल्म में देर इज अ मेंशन ऑफ दिस वर्ड, इट्स कोई सेंटेंस के बीच में आता है खड़ा, एंड इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पहला जीस खड़ा है खड़ा है. सो ही सेड ये लाइन तो ये वर्ड तो मैं कभी जिंदगी में जाने नहीं दूँ, क्योंकि ये खड़ा है के लिए तो आज तक मुझे गालियाँ मिलती है ट्विटर पर. ये आपका मतलब then he said things like, you know, it's a adult film, agreed, but children get into the theater and watch the film. How do I stop them? But I said, that's not my problem, it's a law or not a problem. How can you penalize me for a law and order situation where children get into an watching an adult film? So basically he's just ripped apart the film. After 48 cuts, I mean, there's nothing left of the film. And so he told me that if you want to go to the revising committee, you're welcome to do that, I'll double the cuts. So there was no point in my going to the revising committee in any case. So I had to skip the revising committee and go to the tribunal. So which we have done. And so there's no way that, I mean, I can release the film the way it is right now. So I have to fight it, and I'm going to fight it. Yeah, I mean, it's a careless attitude, because the list of cuts given me, nobody's bothered to check that list, because the clauses that they've given me, I mean, 48 ke andar se 35 cuts are in clause 2.7, which says smoking and drinking ke upar tag lagna chahiye. I mean, figure out what you're trying to say, figure out which clause it is under. So we have to actually hunt down ke aap actually kaun se clause ke niche isko dalna cha rahe hain. So there's a complete careless, harassing attitude of the board, and I mean, right now we're just speechless. We don't know how to react to this, but we want to take it forward, obviously. Yeah, and that's what I want to say. In this committee members, hi, hello everyone. So. Me and Kushan and our writer, Ghalib Saab, we were all there, and after the screening of the film, we were called inside. They initially had a one-hour discussion. So obviously in that 1 hour, we were very restless outside, because we did expect a barrage of objections that would be raised, and rightly so. So when we were called inside the auditorium, basically it's sheer courtesy that you at least offer a seat to the producer, to the director of the film, which is not the practice here. So we are made to stand. We stood there for 2 hours. They do not even offer you a glass of water. So it's like a child who is being punished for doing something wrong. Basically, we have done something wrong by making this film. Ma'am, please, Hindi mein thoda. Hindi mein. कोशिश करती हूँ. तो खैर, हम ऐसे खड़े रह के बात कर रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ओके, वी वर फाइन विद दैट. और उसका नेक्स्ट सेंटेंस था कि इसमें 48 कट्स हैं. तो हमारा एक ही सवाल था कि अगर हम एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो कट्स क्यों दे रहे हैं आप हमें. तो उनका जवाब था कि क्योंकि बच्चे जाके देखते हैं ये फिल्म, जैसे कुशान ने कहा. तो द रीजनिंग, उसका रीजनिंग ही इतनी मतलब वॉज मेड नो सेंस, कि क्योंकि बच्चे जाके एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, हम आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसके साथ हम आपको इतने कट्स भी देंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे लव्स नहीं सुन सकते. तो इट्स कम्प्लीटली बेसलेस, कम्प्लीटली सिली आर्ग्यूमेंट. और उन्होंने कहा कि आप हमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने ये सारे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और सीन्स क्यों डाले हैं फिल्म में, जैसे लव मेकिंग सीन्स हैं, तो आपने ये क्यों डाले. तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे, और सडनली ये औरत ने मुझे देखकर कहा कि आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई. तो मेरा पहला रिएक्शन था उनसे पूछना कि क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में, बट बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, ये जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है. तो
आई वॉज टोटली स्टंड, आई वॉज स्पीचलेस, आई डिड नॉट इवन नो वॉट टू से. मैं इनफैक्ट उनसे कहना चाहती थी कि आपके ही एक ऑफिसर जो यहाँ बैठी है वो भी पैंट शर्ट में ही है क्या, वो भी औरत नहीं है? बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट वॉन्ट द कॉन्वर्सेशन टू गेट पर्सनल. मुझे हमारी फिल्म की ज़्यादा फिक्र थी तो आई जस्ट केप क्वाइट. आई एम वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव दैट दे विल सी द फिल्म द वे वी हैव सीन इट. या थैंक यू. सो टू ऐड ओवर हियर, आई मीन यू नो वी हैव सजेस्टेड थिंग्स ओवर देयर लाइक चुतिया को तूतिया बना दो और माँ के लहंगा को माँ का आंचल कर दो. So, you know, they are all wannabe writers and directors over there who are out to make a film. And, you know, that my film is basically based in the very rural badlands of India. It's the language is such that, you know, ek contra killer adab namaste to nahi karne wala. To, wo jo bhasha hai, wo aam taur pe use hota hai. Matlab, ये चुतिया का काहे क्यों किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली द वर्ड चुतिया का लिटरल मीनिंग आप यूज कर रहे हैं. उसका मतलब ये है व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू फूलिंग अराउंड. सो इट्स नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो इट इफ इट्स कट, इफ द फिल्म इज कट द वे इट इज, इट टेक्स अवे द एंटायर द फील ऑफ द फिल्म, द फ्लेवर ऑफ द फिल्म. So basically, they actually tried to cut the entire flavor of my film. So there's nothing that remains to the film after it's cut. So I'm definitely, this is the main issue and this is the main reason why we want to go to the tribunal. Vinita Bhatt, the heroine of this film. I request, Bharti, time dena yaar. Ganda leke badi bhi tu yaar. Ek ek karke aayenge na, badi kar lenge, chinta mat kar. Time hai hamare paas. ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभालेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ. और वो ये है कि कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस. क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को. अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता, भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ. और उसी चूँकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर. कभी कभी क्या होता है कि गाली गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज़ किया जाता है जिससे एक लाइक एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के बहुत बहुत सारे नुएंसेस यूज़ करने पड़ते हैं. वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल लोकल फ्लेवर जो उसमें ऐड किया जाता है. या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्म बननी बंद हो जाए तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें. जैसे इस फिल्म इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई ये तो इस तरह की फिल्म पे कह रहे हैं ये वो बटर जो भी. तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी. अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है. तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है. तो जो है मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम होने वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे फिर. यही है All I want to say, I think we've been talking about this issue for a long time. I really feel that censorship is not required at all, and I'm glad that we've all come together today to discuss it. I think in a free and democratic country, there's no space for censorship, and I really think it's high time we decided to get rid of censorship, because I think we can't, we'll not be able to tell stories properly at all, and it's really a violation of our rights to express ourselves freely. So I think I'm completely standing with
the team that again like this thing has happened. And I really feel that it's not enough for us. I mean, even though we keep talking about it, media supports us. The same thing happens again and again. So like whether it was Urta Punjab, it was lipstick, now again it's happened. So I just feel nothing is really changing, and I don't know what it is that we can do to ensure that as a free and democratic country, we can actually freely make and watch films. मुख्तसर सी बात है, नेलानी साहब बहुत नाराज है और मतलब बहुत एनर्जी है उनमें, क्योंकि हम तो प्रोटेस्ट करते करते थक गए हैं। हर बार आते हैं वही बातें बोलते हैं, बात कोई नई नहीं है, फिल्मों को सेंसर नहीं करना चाहिए, ये सेंसर बॉडी नहीं है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। ये कितनी बार बोले यार कि आपको हक नहीं है। वो जो नवाज बोल रहा था वो अनजाने में, वो जो विचार उनके हैं वो यही है कि वो फिल्में बने ना, वो एक तरह की फिल्में बने, एक फ्लैटनिंग आउट। ये और ये आज का नहीं है माहौल। 2003 में मैंने हजारों बनाई थी, तब वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की और की है तो ये हटा दो फिल्म से। तो वो तो हमेशा से चलता आ रहा है और ये सिर्फ जरा सी इल्तिजा है सरकार से कि जो श्याम बेनेगल रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ, क्योंकि ये बातें हम करते रहेंगे। हर बार एक नया डायरेक्टर आएगा, हर बार एक नया प्रोड्यूसर आएगा, हर बार एक प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, एक एक्टर अपना क्राफ्ट करने से, एक्सप्रेस करने से डरेगा, एक डायरेक्टर घबराएगा, एक माहौल डर का पैदा होगा कि यार मैं ऐसी फिल्म बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बच्चों जो नए लोग हैं उसमें आप क्या एटमोसफियर क्रिएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड व्हाटएवर, एक डर का एटमोसफियर कि हर बच्चा जो है, हर प्रोड्यूसर जो है वो बोलेगा कि अरे यार ये फिल्म ऐसी मत बनाओ। तो यही होगा ना। तो ये जो इल्तिजा है इतनी सी कि आप बताइए कि क्या श्याम बेनेगल साहब की जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ और इसको प्लीज जल्दी से इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हम सब लोग की तरफ से मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे एक नई आईएमबी मिनिस्टर आई हैं, वो इंडस्ट्री की हैं और वो हमारी बातें थोड़ा समझें कि हर बार ये बात रिपीट ना हो, हर बार ये एक नया यू नो, अब कभी अभिषेक चौबे को परेशान करें, कभी उस बच्ची को परेशान करें, कभी उस बच्चे को परेशान करें, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा इट्स टाइम टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन एंड आई थिंक वी शुड ऑल गेट टूगेदर, नॉट जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक फिल्म बट इन जनरल फॉर द होल इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल हु विल कम ड्यूरिंग आवर टाइम। होपफुली वी विल ऑल्सो कंटिन्यू, वी आर नॉट हैंडिंग ओवर, बट टू ऑल ऑफ देम वी ओ दिस दैट वी सिट डाउन and solve this problem once and for all so that it doesn't repeat itself again and again. Thank you. Good afternoon. मुझे यार बहुत boring है debate इस बारे में, कोई बात नहीं करना चाहता। दो बातें जो मुझे बहुत जरूरी कहनी है उसमें सबसे ज्यादा, एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में जितनी भी वो शाकालिया वो सब बातें की है वो एक तरफ है, वो आदमी कौन है जिसने एक महिला से कहा कि आप महिला नहीं है, he should be dragged out of his office and thrown to a court and sued. हम जब जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जब हमारे अंदर घुसते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने को मालूम है, ये परंपरा रही है कि वो पांच छह लोग एक थिएटर में बैठे होते हैं, हम अंदर जाते हैं और हम अंदर खड़े होते हैं हाथ बांध के और वो हमें जो बताना होता है बताते हैं। शुरू में बुरा लगता था लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक महिला से आप ये बात, कोई भी बोर्ड का जो भी एग्जामिनिंग कमेटी का मेंबर ये कैसे कह सकता है कि आपने पैंट शर्ट में, सकती है और सकता है दोनों। सो मेरे ख्याल से आप, मेरे लिए सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है। दूसरी बात यह है जो सुधीर भाई भी कहते हैं, देखिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में लिखा गया था, मुल्क ठीक से बना नहीं था तो उनको क्या पता था क्या क्या सिनेमा बनेगा। वो पता नहीं आप लोगों से कितने लोगों ने पढ़ा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट, बहुत वेग है, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे लगता है जय संतोषी मम्मी कुछ प्रॉब्लम निकल आएगी। लेकिन Now it is, you know, for the past so many years, it is being interpreted by a whole lot of individuals and bodies. So it's based on interpretation that an Urta Punjab gets released and then, you know, this will also eventually, inshallah, get released.
It's besides the point that Mr. Nailani has taken the office of bizarre to another level and in full public view, and he doesn't mind. The point is that I don't think it, the solution rests with that building, which used to be Valkeshwar and Sabarista. It has to go to the parliament, because that act needs to be amended by the parliament. The bad news is that the parliament is not able to look after the more important bills for this country. So I am very depressed to think what is the future, because Cinematograph Act is not ever going to be placed at the table of the House in years to come. This is Pehradirani. 6 months later, hopefully there will be someone else, and then someone else, and then someone else. So we will be left to interpretations, which is the saddest part of this business. Thank you. Let me correct. Cinematograph Act ke pichwade bahut sari cheeze hoti hai. Aap words dekho. Policy Hindu sarkar mein aapse kaha gaya Kishore Kumar nikalne ke liye. कौन से एक्ट में लिखा है कि आप किशोर कुमार नहीं यूज कर सकते? कौन से एक्ट में लिखा है कि आप सेक्शन ऑफिसर नहीं यूज कर सकते? सो दिस इज एक फसाद क्रिएट किया है एक्ट में कहीं नहीं है. सो इट इज बीन यूज्ड अनफॉर्चुनेटली. ये आपका फिल्म जन फैंसीज है कि जो फिल्म बनेगी वो फिल्म बननी चाहिए एज पर द माइंड सेट ऑफ मिस्टर पैराजुला. वो तो बन नहीं सकता ना, वो तो पॉसिबल नहीं. दैट इज द बेसिक इशू. राहुल, ये आदमी अभी भी इधर ही है और इंडस्ट्री के लोग माइंडफुल से लेके सब लोग ने उनका प्रोटेस्ट किया है, इनके बारे में बात किया है, हर एक फिल्म के बारे में वेयर वर ही हैज हैड दीस स्टूपिड प्रॉब्लम्स एंड नथिंग हैज हैपेंड. सो ऑब्वियसली ही इज फॉलोइंग समवनस ऑर्डर एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. ऑल्सो आई थिंक वन थिंग विच इज अ बेसिक प्रॉब्लम इज ये जो लोग देखते कौन है यार, यू नो हु इज द फोर पीपल हु सी दिस. That means the age group has changed now. You know, you have dynamics have changed. You have youngsters who are watching your film. 35%, 70% of your people are youngsters. And you have 50 plus shakha pramukhs and, you know, all kinds of others who are retired, regressive people who have the audacity to make statements like what they did with the lady. And they are still there in office. And they are the ones who are judging our film. So I think there's a lot to be done. But it should begin from the top now. Enough is enough. I have nothing to add. I agree with everybody says. You said you very important for you to talk. जी जी नहीं जी अभी तक जो कहा गया है मेरे सीनियर्स और कॉलीग्स ने जो कहा है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं यहाँ पर खुशहाल और सारी टीम की सॉरी कैंडी में आया हूँ. मेरा भी तजुर्बा ऐसा ही रहा है. आप लोग तो बाकी दो बातें हो गई हैं. एक तो ये जो सुधीर भाई ने कहा कि डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं फिल्म मेकर्स के और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में कि ये लोग अपने मन की प्रति बनाए ही ना, ये लोग वो फिल्म बनाए जो हम देखना चाहते हैं. अव्वल तो ये है. तो ये इसमें क्योंकि एक जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, एक तो उनकी खुद की मानसिकता है जो कि मानसिकता बड़ी रूढ़िवादी है, पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर हम लोगों की जान अटकी हुई है, हमारे ऊपर तलवार डाल दी गई है और ये बहुत ही अनफेयर है, ये जस्टिस नहीं है. और फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से. और ये बात वी बीन सेइंग इट एट नॉज़ियम, हम लोग इनफैक्ट काफ़ी थक गए ये कहते कहते. लेकिन उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थक जरूर गए होंगे लेकिन रुकेंगे नहीं. अगली बार आप करोगे तो हम अगली बार फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर अपना वक्तव्य देंगे. एक तो ये बात मानसिकता की है और दूसरा ये है जो कि मैंने जब उड़ता पंजाब का तजुर्बा हुआ था मैंने नहीं कहा था, जो कि कुशान ने बोला है कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट दे थिंक, इट्स ऑल्सो हाउ दे बिहेव विद अस. यू नो उनका जो पूरा आचरण है हमारे लिए वो एकदम अच्छा नहीं है. ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं क्लास सेवेंथ में वो स्कूल बंक किया है, मुझे पकड़ा गया है और मैं प्रिंसिपल के सामने आया हूँ निक्कर पहन करके और उनसे पनिशमेंट ले रहा हूँ. इट्स लिटरली लाइक दैट. हम फिल्म मेकर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ समाज बिगाड़ने नहीं आए. यू नो हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिनेमा बनाने आए हैं. हमें खुद डर लगता है और वो डर चेक्स एंड बैलेंसेज हमारे सिस्टम में है कि कल हमारी जब फिल्म रिलीज होगी और अगर खराब होगी तो ऑडियंस हमें दो जूते मार के निकाल देंगे. तो आपको कोई जरूरत नहीं हमसे डरने की, कोई आवश्यकता नहीं है सेंसर बोर्ड की. आप एक सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाएं
और उस हिसाब से हमें सर्टिफिकेट दें, और अगर अडल्ट है इसका मतलब 18 साल से ऊपर का आदमी आके देख सकता है फिल्म, तो उसकी मर्जी, वो देखना चाहे अगर देखना चाहे, और देख करके ब्लॉग लिखे, ट्वीट करे कि बहुत भाई आप फिल्म है, इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे, बच्चे की जान लो यार। मुझे ना आज मेरी दादा दादी की बहुत याद आ रही है। जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत पहनो वो मत पहनो, ये मत देखो वो मत देखो। तो आपको लगता नहीं है कि सेंसर बोर्ड कुछ ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं? हमारे देश में मतलब 70% से भी ज्यादा लोग अडल्ट हैं। हाँ, तो मतलब एडल्टों को अब बताया जाएगा दादा दादी की तरह कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। आज इंटरनेट मार्केट बहुत बड़ा है, इंटरनेट के कंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब पॉर्न, अगर आपको पॉर्न देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं, पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं एक स्टोरी देखने, पॉर्न नहीं। तो फिल्म और पॉर्न में कुछ फर्क है। आज मैंने पढ़ा कि हमारे फिल्म में किस है, कुछ इंटीमेट सीन्स है, उससे प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को। 80s और 90s के अगर आप फिल्में देखेंगे, उन फिल्मों में कितने रेप सीन्स देखेंगे आपको? बहुत बहुत। अभी भी रेप सीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लव मेकिंग में, मतलब किसिंग में, मतलब दो इंसान प्यार भी नहीं कर सकते हैं क्या? हैरान हूँ। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को ऐसे दादा दादी की तरह ना लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। लोगों के पास ऑप्शन है, लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये उनकी फ्रीडम है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। लोगों को मत रोकिए, लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे लोग नहीं देखेंगे, पसंद आएंगे तो लोग देखेंगे। एंड फिल्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। बहुत लोग, मुझे पहले इस बात की समझ नहीं थी, अब मैं देखती हूँ कि एक फिल्म में 70-80 से 100 लोग तक काम करते हैं, इतने लोगों के घर चलता है। अगर सारे फिल्म में मतलब जय संतोषी मार टाइप्स बनने लगेंगे, कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं होगा, कोई जाएंगे फिल्म देखने? तो हम घर में बैठे डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं, फिल्म क्यों, हिस्ट्री चैनल देख सकते हैं। फिल्म देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और फिल्म इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ। हम लोग रियल लाइफ में भी गाली देते हैं, रियल लाइफ में भी प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो फिल्मों में भी ये सब होगा। तो प्लीज, मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड की ही जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड ये सर्टिफिकेट देने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए फिल्म है या अडल्ट के लिए है, पर उसके बाद अडल्ट लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे इसमें प्लीज दादाजी मत बनिए। थैंक यू। सेंसर बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमको सब डायरेक्टर्स को मिलने का मौका देते हैं और हमारी सॉलिडैरिटी को और मजबूत करते जा रहे हैं, क्योंकि जब जब ये किस्से होते हैं तब तक हम लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। मुझे लगता है कि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं थिएटर के अंदर वो सेंसर बोर्ड के सामने खड़ा हुआ हूँ कई बार, और चुपचाप वापस आ गया हूँ क्योंकि यू सर्टिफिकेट मिला है, यूए सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि आज के जो फिल्म मेकर्स हैं वो फियरलेस होना चाहते हैं, वो अपने जज्बातों को खुलेआम पेश करना चाहते हैं, जिस मर्जी की फिल्म बनाना चाहें वो बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अभिषेक चौबे या अलंकृता श्रीवास्तव या कुशान नंदी घर सरसार घर एक मंदिर मेरा पति सिर्फ मेरा है ये बना सकते हैं? यह इनकी सोच है, ये तो हम भूल चुके हैं, ये तो हम भूल चुके हैं, और हमारे से पहले जो फिल्म मेकर्स थे वो भी भूल चुके हैं कि अब समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम ग्लोबल हो रहे हैं, हमारी आर्ट को चारों तरफ पहचाना जा रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फियरलेस हैं और आप गालियों का इस्तेमाल करते हैं या आप कुछ ऐसे सीन करते हैं जो कि आपको अभद्र लगते हैं। मेरे को लगता है कि फिल्म में ऐसा सीन होना वो कम है, लेकिन किसी
सीबीएसई जो सेंसर सर्टिफिकेट के जो कोई जो भी थे वो मेल थे या फीमेल थे उनका किरण को ये कहना कि आपने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है तो आप औरत नहीं है, आई थिंक ये ज़्यादा बनकर सीन है, ये ज़्यादा बेकार सीन है और ज़्यादा अभद्र सीन, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए इज्जत या उस जाति के लिए इज्जत है ही नहीं सर। और आप अगर उस सीट पे बैठे हुए हैं तो आप एग्जामिन कमेटी के मेंबर नहीं हैं, आप शायद अपने आप को मॉरल जज या सोसाइटी का जज समझ रहे हैं, आप जज नहीं हैं, आप सिर्फ एग्जामिन कमेटी के मेंबर हैं, दैट्स ऑल, आप शुड यू शुड रियलाइज दैट। और दूसरा ये बात पहले भी हो चुकी है, उल्टा पंजाब के टाइम में बात कर चुके हैं कि ये सेंसर जो है, ये सिस्टम जो है ये गलत है। बाकी में विदिता ने कहा और बाकी सब लोगों ने बोला कि आप हम पर है, ये ऑडियंस पर डिपेंडेंट है कि उनको क्या देखना है। अगर इंटरनेट पे सब कुछ दिख रहा है और सब देख रहे हैं और सब गालियां सुन रहे हैं और सब न्यूड सीन देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, तो मतलब वो देख रहे हैं ना। आप सेंसर इसलिए करना चाहते हैं कि सोसाइटी खराब ना हो आपकी पिक्चर के थ्रू, पर सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट हो रहा है और सोसाइटी तो देख रही है ना, पर वो अपनी मर्जी से देख रही है। और ऐसा नहीं कि सभी देखते हैं, कुछ लोग उसको रिजेक्ट भी करते हैं, नहीं भी देखते। तो ऐसे ही आप फिल्म जो है उसको आप पूरी परिपूर्ण आजादी दीजिए, फिल्म मेकर को आजादी दीजिए, उसके डर को निकालिए, वो फियरलेस रहे ताकि हमारे काम को देश विदेशों में जाना जाए। आज नहीं तो डर से अगर पिक्चर बनाएंगे तो डर से पिक्चर नहीं बन सकती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेंसर सर्टिफिकेशन का रूल जो है, जो बदलना चाह रहे हैं, जो शाम मैंने की कमेटी अभी बनी है और उसकी अभी तक कोई मतलब उसका क्या लागू होने वाला है कुछ अब तक पता है, पता नहीं है, कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनने को मिलती है कि शायद सर्टिफिकेशन रेटिंग होगी और सेंसर बोर्ड नहीं रहेगा। वो पढ़ के खुशी मिलती है और जैसे ही खुशी मिलती है तो एक बॉम्ब हम पर फूट पड़ता है घर से कि जी आज जो है बंदूकबाज को बाबू शायद बंदूकबाज के इतने 48 कट्स हो गए हैं इन गालियों के लिए और प्रोड्यूसर की बेइज्जती की गई है, वहां पर उसके साथ बदसलूकी की गई है। तो अब वक्त आ गया है कि हमको, जैसे कि हमारी फिल्में जो है आगे बढ़ रही हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, हमारे दर्शक जो है वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, हमारी फिल्मों को कैसे तोड़ मरोड़ करके आज इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे ऐसी तैसी कर डालते हैं, तो पब्लिक की पूरी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है हाई टाइम कि सेंसर बोर्ड की इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी बढ़े और वो थोड़े से परिपक्व हो और थोड़े से इंटेलिजेंट हो, थोड़े से ओपन माइंडेड, क्योंकि अल्टीमेटली वो जब वो उस थिएटर में बैठे होते हैं ना तभी वो एग्जामिन कमेटी के मेंबर हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्होंने सही बोला मेरे को ड्रॉप कर देंगे क्या, क्या मैंने आपकी पिक्चरें बहुत देखी है अंजना, वाह आप तो बड़े कमाल के हैं यार, यू नो वो आप इंसान हो लो, लेकिन वो वहाँ बैठते ही उनकी आत्माएं जो है ना चेंज हो जाती है और वो जज बन जाते हैं। एनीवे मैं तो दोबारा से थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारी सोलिडरिटी को और मजबूत कर रहे हैं, ये एक थोड़ी सी एक रोड ब्लॉक है, तो खत्म हो जाएगा, पिक्चर रिलीज होगी, पिक्चर अच्छी होगी, 100% चलेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आप रोक तो सकते नहीं उसको, गालियां निकालने से आप रोक नहीं सकते पिक्चर को, या गालियां डालने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिक्चर चल जाएगी, पिक्चर तो पिक्चर होती है। लेकिन आप किसी आदमी को कैसे रोक सकते हो, आप किसी फिल्म मेकर को कैसे रोक सकते हो। आज कुशान के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ, कुशान यूज्ड टू असिस्ट मी एंड आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज मेकिंग ए फिल्म व्हिच ही बिलीव्स इन। हमने तो कई बार ऐसी पिक्चरें बनाई है जो हमने बिलीव ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ पैसे के लिए बना लिया सर। लेकिन आज की जनरेशन तो ऐसी है ना कि व्हाट दे थिंक दे वांट टू डू इट, तो उसको क्यों रोका जा रहा है, उस यंग बच्चे को क्यों रोका जा रहा है, और कौन है आप रोकने वाले, आप सर्टिफाई कीजिए, आप बोल दीजिए एडल्ट्स के लिए, आप बोल दीजिए इसके लिए, बड़े बाहर के मुल्कों से आप तरीके ढूंढ लीजिए। बस यही कहना चाहूंगा, थैंक यू एंड कुशान योर पिक्चर विल डू वेल बिकॉज यू हैव मेड अ गुड फिल्म, ओके बेस्ट ऑफ लक। सुप्रन, 20 साल पहले शिखर कपूर बैडमिंटन के प्रीमियर में आए थे, उन्होंने हाथ में हथकड़ी डाली थी और मुंह पे पट्टी बांधी थी काली, उनसे पहले ही फिल्म मेकर्स पट्टी बांधे बैठे हैं, हम आज भी हमारी हालत हुई है, कुछ बदला नहीं है, हम हर महीने क्लब मिलियन में आते हैं, अभिषेक के लिए आए, लखनता के लिए आए, आयुषान के लिए आए, कुछ बदलने वाला नहीं है। एंड सुधीर जी ने कहा कि हमें इंतजार करनी चाहिए, घंटा इंतजार करनी चाहिए, थक चुके हम इंतजार करते, कुछ बदलने वाला नहीं है।
I think the industry needs to get together, the producers need to get together. If the government won't table the Cinematograph Act in the parliament, we need to approach the Supreme Court to change it. Because aaj Pehlaj ji hai, hum bahut bachchon ki tarah khush ho rahe hain ki Smriti Irani aayi hai, industry ki hai. Pehlaj ji kahan ke hain? Wo bhi industry ke hain. Kal koi aur aayenge. Censor certification board jab tak badlega nahi, laws nahi badlenge, kuch badalne wala nahi hai. Aaj kuch aane kal koi aur hoga. I as a journalist and as a filmmaker written about this consistently. Sadly, कोई बदला नहीं है. We need to do something concrete. And it's high time. Ashwini, I would like to request you to sum it up. Sanjay, मैं सबसे पहले जो सुधीर भाई कह रहे थे उसपे एक बात कहना चाहूँगा. मतलब इफ्टा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन, हम लोगों ने उड़ता पंजाब का केस सबसे पहले लिया था जब उनके साथ सीबीएफसी ने शुरू किया. उसके बाद बाकी इफ्टा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उससे जहरीला भंसाली पर अटैक हुआ हो, चाहे गुप्ता की फिल्म हो, चाहे मधुर की हिंदू सरकार हो, या कुशान की फिल्म है, सो एज एन एसोसिएशन वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सुधीर भाई ने कहा कि हम लोग लगातार यही बात करते हैं लेकिन कुछ बदला नहीं है. मुझे लगता है कि उड़ता पंजाब से लेके अब तक सुधीर भाई काफ़ी कुछ बदल गया है. जब नहीं, इट्स नॉट अबाउट कट्स. मुझे लगता है कि जो सेंसर बोर्ड की मानसिकता है वो उस समय वो थी कि आप सिनेमा किस तरह का बनाएंगे, संस्कारी सिनेमा जो मीडिया ने शब्द दे दिया था. लेकिन अब बात उससे ज़्यादा हो गई है कि जो फिल्म बना रहे हैं वो अपने जीवन में किस तरह से रहेंगे, कि वो संस्कार जो फिल्मों में चाहते हैं वो चाहते हैं कि फिल्म मेकर जीवन में भी उनको लागू करे, जो केरल के साथ हुआ. मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक ट्रेंड ये है कि आप फिल्म में महिला को कैसा दिखाएंगे वो एक अलग बात थी, लेकिन आप जीवन में महिलाएं तो आप कैसी रहेंगी और कैसे कपड़े पहनेंगी, वो भी सेंसर बोर्ड डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है. मुझे लगता है सबसे शर्मनाक ये है. एज एन एसोसिएशन वी हैव रिटन टू आईएमबी मिनिस्टर, दीज टू पर्टिकुलर मेंबर्स हु हैव इन अ वे आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ केरल श्रॉफ शुड बी सैक्ड इमीडिएटली. ये हमारी एसोसिएशन की डिमांड है. इन दोनों को इमीडिएटली सैक किया जाना चाहिए. सबसे पहला ये है. दूसरा, जो अभिषेक वहां कह रहे थे कि फिल्म मेकर जब सेंसर बोर्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है स्कूल बंक करके आए हैं और प्रिंसिपल के सामने खड़े हैं. मुझे लगता है कि चीजें उससे थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई. जैसा कुशाल ने मुझे बताया, नाउ व्हेन अ डायरेक्टर गोज टू सेंसर बोर्ड ही फील्स लाइक अ क्रिमिनल, यू नो, ही इज मेड टू फील गिल्टी कि आपने कोई गलती की है. यू आर अ क्रिमिनल. आप अगर पहला जेलानी से मिलने जाते हैं, यू आर फ्रिस्क, आपके मोबाइल, जैसा तिहाड़ जेल में आप जाते हैं आपके मोबाइल बाहर जमा करा लिए जाते हैं, आप पहला जेलानी से मिल नहीं सकते हैं. सुधीर मिश्रा डायरेक्टर चाहे 6 नेशनल अवार्ड लेके बैठे होंगे, लेकिन अगर वो पहला जेलानी से मिलने जाएंगे तो उनको अपने मोबाइल बाहर जमा कराने पड़ेंगे. मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है. ये चीजें बंद होनी चाहिए, पहला. दूसरा, मैं कुशान नवाज भाई और जो बाबू मुशायर बंदूकबाज की टीम है उनको ये कहना चाहूंगा कि सी, एज एन एसोसिएशन वी हैव 10,000 मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट्स. वी हैव बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इन दिस फाइट वी आर विद देम. हम लोग पूरे 10,000 मेंबर की तरफ से, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि किसी स्टेज तक इस लड़ाई को लेके जाना चाहे, एज एन एसोसिएशन विल स्टैंड बाय. थैंक यू. थैंक यू. Now to sum it up, there are three things which IFTDA as an association, as an organization, would like to reiterate. One, IFTDA condemns all the cuts which have been given to this film. Second, the misbehavior against one of its producers, Kiran Shroff. We condemn this act of CBFC with the core of our hearts. We are really shocked and we are really angry about this behavior of those two examining committee members. And as Ashwini said, we appeal to the IFBB ministry to initiate an inquiry against these two members and see to it that they are sacked from the examining committee, as Sudhir and other director members also have said. Third, Shyam Benegal's committee report recommendations should be initiated and worked immediately as soon as possible, so that we stop having press conferences and we stop, you know, struggling for our films to be released. So these are three things, main things, which IFTDA, while addressing this press conference, would like to underline. That's all what we would like to say.
Anything else, anybody? Alingrita wants to say something. You know, I just listening to what everybody else is saying, I just wanted to add that there is a serious sort of lopsided power politics between the CBFC and filmmakers, and I definitely think we should have some other kind of procedure as to how the CBFC interacts with filmmakers, because even I found that their behavior towards filmmakers is quite disrespectful, because they really don't treat you as an equal. So I think, for starters, this is one thing we really should think about, that they are not more powerful. They should not act like they are more powerful than us. And you know, like how they make you stand, they don't have a conversation with you. It's all a one-sided sort of affair. And this is now something that all the directors are saying. So I definitely think that between a filmmaker and a certifying body, it can't be that the certifying body is trying to wield its power over filmmakers. I think everybody is equal. It's a free and democratic country. And I definitely think that the basic human behavior of how you should treat the filmmaker when the filmmaker enters that space to discuss the film should be, I think we should really work on that. It should be a transparent kind of procedure, and you should be able to sit across the table and have a conversation, because it just can't be this one-sided sort of thing, and the filmmakers are standing and they just announce their judgment. So, and I definitely feel that there should be some sort of code of conduct, and definitely no disrespectful statements should be made against anybody, man or woman, when they are interacting with you regarding certification. So definitely I think we should end this closed door affair. I think it should become a transparent affair. It should be recorded. Everybody should know what's going on. So it's not this kind of hush-hush thing at all. I totally agree with Ashok and Ashwini, we should do this. We should change that. वो जो रिचुअल है ना, उसको बदलना पड़ेगा. वो रिचुअल बदलोगे तो वो सेरेमनी बदलेगी. कि ये रिश्ता जो है वो गलत है. बैठाओ सभ्यता से, बात करो आमने सामने. एंड व्हाट शी सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, इट शुड बी रिकॉर्डेड. एंड आई थिंक एज एन एसोसिएशन वी शुड फाइट फॉर दिस रियली, बिकॉज इट इज अ चेंज दैट वी कैन मेक. I request all the directors to go to the picture. For a group picture.